हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर नंबर 8 जिसका नाम है एस्केरिस। तो एस्केरिस के बारे में हम लोग यहाँ पर बहुत कुछ चीजें देखने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी जिसका आप लोग जाकर के स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हो। ये हमारा लायन बैच है। किसी भी टॉपिक को, बीएससी जूलॉजी की किसी भी टॉपिक को अगर आप लायन बैच के नाम से सर्च करोगे तो आपके यूट्यूब पर आ जाएगा, या फिर आप नॉलेज अड्डा के नाम से भी सर्च कर सकते हो। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के बाकी लेक्चर अगर आपको लाइन से देखना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल करके रखा हुआ है, आप एक बार चेक जरूर करें। तो चले गए, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। इसके अलावा बीएससी जूलॉजी का कोई भी चैप्टर अगर आप सर्च करते हो नॉलेज अड्डा के नाम से तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक जिसका नाम है एस्केरिस। तो देखिए, एस्केरिस के बारे में अगर हम सिनॉप्सिस देख लेते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज को कवर करने वाले हैं। एग्जाम में भी आप लोग लिखते हो तो सिनॉप्सिस पर लिख दिया कीजिए, तो आंसर आप लिखोगे तो काफी अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका मॉर्फोलॉजी बताऊंगी कि जो एस्केरिस होते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, सारी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। सेकेंड नंबर में हम लोग देखेंगे मेल एंड फीमेल एस्केरिस। बेसिकली क्या होता है ना, जो मेल और फीमेल एस्केरिस है उसमें कुछ कुछ डिफरेंस पाया जाता है, तो दोनों में हम लोग डिफरेंस बिटवीन भी देख लेंगे। थर्ड नंबर में हम लोग देखेंगे इसके लाइफ साइकिल के बारे में। फोर्थ नंबर में हम लोग देखेंगे परजीवी अनुकूलता, मतलब पैरासाइटिक एडेप्टेशन के बारे में, इसमें कौन कौन सी अनुकूलताएं पाई जाती है ना। पांचवे नंबर में हम लोग इसके पैथोजेनेसिस के बारे में देखेंगे, मतलब इनसे कौन कौन सी बीमारियां फैलती है। और लास्ट में हम लोग इसका ट्रीटमेंट देखेंगे कि अगर किसी भी इंसान को एस्केरिस से रिलेटेड इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो क्लियर हुआ गाइस? चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं मॉर्फोलॉजी से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन में डायग्राम देख सकते हो एस्केरिस का, एक तरफ मेल एस्केरिस है और दूसरी तरफ फीमेल एस्केरिस है। वैसे जो मेल एस्केरिस और फीमेल एस्केरिस है ना, दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस पाया जाता है। तो लास्ट में मैं आप लोग इसके बीच दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी बता दूंगी, डिफरेंस बिटवीन भी बता दूंगी। तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं कि जो एस्केरिस है वो दिखता कैसे है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एस्केरिस जो होता है वो थोड़ा सा लंबा, पतला, मुड़ा हुआ और बिल्कुल क्रीमी के समान दिखाई पड़ता है ना एस्केरिस की अगर हम बात करें। तो बात करते हैं मेल और फीमेल की। तो जो मेल एस्केरिस होता है साइज में थोड़ा सा छोटा होता है लेकिन थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है। क्लियर हुआ? साइज में थोड़ा सा छोटा होता है फीमेल के पीछा और थोड़ा सा यहाँ पे लास्ट जो उसका टेल होता है वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है। बात करें अगर हम लोग फीमेल एस्केरिस की, तो जो फीमेल एस्केरिस होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है, मतलब उसका जो साइज होता है, उसका जो लेंथ होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है मेल के पीछा, लेकिन वो ऐसा मुड़ा हुआ नहीं रहता, बिल्कुल सीधा सा होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो चलिए इसी बीच हम लोग इसकी लंबाई भी देख लेते हैं। तो अगर हम लोग फीमेल एस्केरिस की लंबाई की बात करें तो 22 से 40 सेंटीमीटर तक हो सकता है ना। और अगर हम लोग इसके डायमीटर व्यास की बात करें तो 6 से 8 मिमी इसका डायमीटर होता है। इसी तरीके से अगर हम लोग मेल के लेंथ की बात करें, लंबाई की, तो ये 14 से 30 सेंटीमीटर तक हो सकता है और 2 से 4 मिमी इसका व्यास हो सकता है। क्लियर हुआ आपको? तो लेंथ तो हम लोग देख लिए, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग दोनों एस्केरिस की तुलना करें तो दोनों में ही ओरल पाया जाता है, मतलब जो माउथ होता है वो दोनों में पाया जाता है। और जो माउथ होता है वो सबसे इसके ऊपरी हिस्से में, यहाँ पे आप देख सकते हो माउथ होता है। अगर हम लोग माउथ की बात करें तो उसमें इनके लिप्स भी प्रेजेंट होते हैं। जी हाँ, 3 मसल से घिरा हुआ एक लिप्स भी एस्केरिस में प्रेजेंट होता है। और लिप्स के साथ साथ इसके बहुत ही बारीक बारीक छोटे छोटे टीथ भी होते हैं, मतलब दांत भी होते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर आप लोग एस्केरिस के बारे में लिखोगे, सबसे पहले उसके माउथ के बारे में लिखोगे, तो माउथ में जरूर लिखना कि 3 मसल से घिरा हुआ लिप्स होता है, ओष्ठ होता है, और उस लिप्स में बहुत ही बारीक बारीक छोटे छोटे दांत भी इनके पाए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? जो भी खाने खाने वाने का जो भी चीजें होती है वो उनके माउथ के द्वारा ही इन लोग ग्रहण करते हैं। माउथ के जस्ट नीचे होता है एक्सक्रेटरी पोर, मतलब इसका उत्सर्जी जो पोर होता है वो माउथ के जस्ट नीचे होता है। एक्सक्रेटरी पोर का मतलब इसका मेन वर्क होता है, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर निकालने का काम ये एक्सक्रेटरी पोर के द्वारा ये करते हैं। तो ये जो एक्सक्रेटरी पोर होता है जस्ट माउथ के जस्ट नीचे होता है एस्केरिस में। यहाँ तक क्लियर हुआ? दोनों में आप लेटरल लाइन देख सकते हो, इस तरीके से लेटरल लाइन दोनों में प्रेजेंट होते हैं। अब चलिए बात करते हैं इसके एनस की, मतलब जो गुदा द्वार होता है, जो एनस होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो जो एनस होता है वो टेल के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है, जहां से ये जो भी टॉयलेट स्टूल वगैरह पास करते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल को पास करने का काम करते हैं वो एनस के द्वारा करते हैं। लेकिन आप एक चीज यहाँ पर देखोगे कि जो फीमेल होती है उसमें स्पष्ट रूप से एनस पाया जाता है। थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ मैं,
है ना। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप एनस को देख सकते हो फीमेल में, है ना। लेकिन अगर आप मेल की बात करोगे ना, तो मेल में एनस नहीं पाया जाता है। जी हाँ, इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस यही है फीमेल और मेल में, कि जो मेल होते हैं उसमें एनस नहीं पाया जाता है। एनस की जगह एक विशेष प्रकार का अंग होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्लोकल अपर्चर। ये आप लोग याद रखना, अगर कभी डिफरेंस बिटवीन आ गया तो दोनों के बीच आप लिख सकते हो कि फीमेल जो होती है उसमें एनस तो पाया जाता है, लेकिन जो मेल होते हैं उसमें एनस की जगह क्लोकल अपर्चर पाया जाता है, जो कि एनस का काम करते हैं। ठीक, आया गया समझ में आप लोगों को? अब चलिए आगे हम लोग और देख लेते हैं। देखिए एनस के पास ही दो कांटेनुमा संरचना होता है जिसको हम लोग कहते हैं पीनियल सिटी। तो ये पीनियल सिटी किस में पाया जाता है? नर एस्केरिस में, मेल में पाया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देती हूँ मैं, ये कुछ इस तरीके से होता है पीनियल सिटी, बिल्कुल कांटे के समान दिख रहा है, दिखा पीनियल सिटी, है ना। और इस पीनियल सिटी का काम क्या होता है, जो कि क्लोकल अपर्चर के जस्ट पास में पाया जाता है। तो ये पीनियल सिटी होता है उसका मेन काम होता है, ये एक प्रकार का इसका सेक्स ऑर्गन होता है। जी हाँ, फर्टिलाइजेशन के लिए ही पीनियल सिटी का यूज होता है। जैसे कि मेल में पेनिस वगैरह होता है ना, तो पेनिस का ही काम ये पीनियल सिटी करते हैं। ठीक, और अगर हम लोग फीमेल जेनाइटल ऑर्गन की बात करें तो इनमें जेनाइटल अपर्चर पाया जाता है। मतलब जो भी फीमेल का जो जेनाइटल ऑर्गन होता है, जेनाइटल अपर्चर होता है, छोटा सा यहाँ पे छेद टाइप से पाया जाता है, और इसी पीनियल सिटी के द्वारा यहाँ पर जो भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस देखना कि जो मेल का जो सेक्स ऑर्गन है वो हल्का सा टेल के पास है, नीचे है, लेकिन जो फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन है वो बीच में है। ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है गाइस, और टेल की बात करें तो फीमेल में आप टेल देख रहे हो, बिल्कुल सीधा सा टेल है, ऐसा कोई मुड़ा हुआ टेल नहीं है। लेकिन फीमेल में अगर हम लोग टेल देख रहे हैं तो थोड़ा सा मुड़ा हुआ टेल पाया जाता है। मतलब इनका जो टेल होता है वो कर्व्ड टेल रहता है ना, कर्व्ड टेल रहता है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ गाइस? तो लेंथ हम लोग देख लिए, थोड़ा सा लंबा होता है फीमेल और मेल थोड़ा सा छोटा होता है। ओरल माउथ पाया जाता है, एक्सकेटरी पोर माउथ के जस्ट नीचे पाया जाता है, फिर लेटरल लाइन दोनों में पाया जाता है। लेटरल लाइन से पहले यहाँ पे फीमेल जेनाइटल अपर्चर पाया जाता है, जो कि इनका एक सेक्स ऑर्गन है वेजाइना, ये सब यहाँ पर ही प्रेजेंट होता है ना। और मेल की बात करें तो क्लोकल अपर्चर एनस का काम करता है, इसमें स्पष्ट रूप से एनस पाया जाता है। एनस के जस्ट नीचे पीनियल सिटी पाया जाता है, जो कि इनका सेक्स ऑर्गन है, और कर्व टेल इसमें पाया जाता है। तो ये तो हुआ गाइस इसका मॉर्फोलॉजी। अब चलिए थोड़ा बहुत डिफरेंस और हम लोग मेल और फीमेल के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए गाइस, बात करते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन मेल और फीमेल का, तो जो मैं बताई हूँ वही चीजें हैं, बट अगर आप लोग एग्जाम में लिखोगे ना तो मॉर्फोलॉजी करके अलग हेडिंग डालना और डिफरेंस बिटवीन करके अलग हेडिंग डालना, क्योंकि एस्केरिस में यही मेन है, मेल और फीमेल के बीच क्या क्या डिफरेंस है वो जो भी आपके टीचर है उनको अच्छे से दिखना चाहिए, है ना। तो ऐसा कॉलम बना लेना, वैसे मैंने नोट्स में बहुत अच्छे से बनाया है। तो मेल का अलग कैरेक्टर लिखना और फीमेल का अलग कैरेक्टर लिखना, ये चीज आप लोग याद से लिखना, नहीं तो मैं भी आपका नंबर कट सकता है अगर आप लोग मेल और फीमेल के बीच डिफरेंस नहीं लिखोगे तो। ठीक है, वैसे जो मैं बताई लेंथ वेंथ यही सब उसका डिफरेंस में आएगा। ठीक है, तो चलिए मॉर्फोलॉजी तो हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग आते हैं इसके जीवन चक्र के बारे में, लाइफ साइकिल के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो एस्केरिस होता है, अगर हम लोग उसको देखें तो कुछ इस प्रकार से वो दिखाई पड़ता है। एस्केरिस को बिल्कुल आप लोग खुले आंखों से देख सकते हो। अगर मैं बात करूं एस्केरिस कहाँ पर रहते हैं हमारे शरीर में, तो इनका जो मेन प्लेस होता है हमारे बॉडी में वो है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में ये बहुत अच्छी तरीके से रह पाते हैं, और कभी कभी ये होता है ना कि जब इंटेस्टाइन में इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जब इनकी संख्या इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसको ऑपरेशन करके भी डॉक्टर लोग निकालते हैं। अगर इंटेस्टाइन में अगर एस्केरिस की संख्या बढ़ जाती है तो कई प्रकार के गंभीर रोग उत्पन्न होते हैं, और सर्जरी के द्वारा इसको आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है गाइस, तो चलिए हम लोग इसे लाइफ साइकिल के बारे में देख लेते हैं। तो स्टार्ट होता है सबसे पहले फर्टिलाइजेशन से, इनकी निषेचन क्रिया से। तो देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो फीमेल होती है उनमें जो जेनाइटल पोर होता है, मतलब जो वेजाइना होता है, वो यहाँ पर पाया जाता है। इस वाले हिस्से में इनका जो वेजाइना होता है, एक प्रकार का जो पोर होता है, छिद्र होता है, वो यहीं पर पाया जाता है। अगर मैं मेल की बात करूं तो मैंने पहले ही बताया था कि इनका जो पीनियल सिटी है वो प्रकार से पेनिस का काम करते हैं। मेल में पेनिस होते हैं, उसी प्रकार से ये पीनियल सिटी होते हैं, बिल्कुल कांटेनुमा इनकी संरचना होती है। बहुत छोटा सा जीव है तो
स्वाभाविक सी बात है इनका जो पीनियल सिटी है वो भी काफी छोटा सा ही सेप का होता है। तो अगर इनको फर्टिलाइजेशन, अगर इनको निषेचन की क्रिया करना होता है, अगर इनको मैथुन की क्रिया करनी होती है, तो ये क्या करते हैं, अपना जो पीनियल सिटी है वो फीमेल जेनाइटल अपर्चर में जो है वो एंटर करा देते हैं। तो जैसे ही ये फीमेल जेनाइटल अपर्चर में ये एंटर करते हैं, इनका जो भी स्पर्म है, मेल का जो भी स्पर्म है, जो भी शुक्राणु है, वो इनके जेनाइटल ऑर्गन में वजाइना के थ्रू पहुंचा दिया जाता है। कहां पर, इनके गर्भाशय में या फिर इनके यूट्रस में, है ना। इनमें यूट्रस भी होता है, ओवरी भी होता है, वेजाइना भी होता है और जेनाइटल अपर्चर भी होता है। जैसे फीमेल में होती है ना, जैसे कि हम इंसानों में, तो वैसे ही पूरा इनमें पाया जाता है इनके फीमेल जेनाइटल अपर्चर में। तो जैसे ही इनके भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस वगैरह होता है और यहाँ पर इनके जो भी एग वगैरह रहते हैं, इस पर आपस में जो है वो फर्टिलाइज हो करके एक जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं, एक जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। और जैसे ही ये फीमेल अंडे देने का कार्य करती है, वो इंटेस्टाइन में ही करती है, मतलब जो हमारे पेट है उसी में ही ये क्या करती है, अंडे देती है। और आपको एक बात जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगा गाइस, कि जो फीमेल होती है एक बार में 2 लाख तक अंडे दे सकती है। मतलब जो फर्टिलाइज्ड ओवम जो होता है ना, जो ऑलरेडी फर्टिलाइज्ड हो चुका है, वही अंडे को ये क्या करती है, पूरा इंटेस्टाइन में रिलीज करती है। और जो ये जो एस्करिस होता है, वो एक बार में 2 लाख से भी ज्यादा अंडे दे सकती है। क्लियर हुआ आपको? तो जो अंडे होती है वो इंटेस्टाइन में देते हैं, लेकिन जो हमारा इंटेस्टाइन होता है वो काफी ज्यादा गर्म होता है और काफी ज्यादा वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है। इस वजह से जो एस्करिस के जो बच्चे हैं वो वहां पर डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो अब क्या करें, उनके डेवलपमेंट के लिए तो उनको थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए, ऑक्सीजन की अच्छी मात्रा चाहिए। तो उनका जो बच्चे होते हैं वो, उनके जो बच्चे होते हैं वो स्टूल के थ्रू, मतलब जो टॉयलेट होता है उसके थ्रू, एनस के थ्रू पास कर दिए जाते हैं। मतलब जो भी, अगर किसी इंसान में, अगर किसी इंसान में एस्करिस का इन्फेक्शन हो चुका है, तो उसके ज्यादातर जो अंडे होते हैं वो टॉयलेट के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। और टॉयलेट के थ्रू बाहर निकलने के बाद वो बाहर में जाकर के जो भी बड़े होने का काम करते हैं वो बाहर में जाकर के करते हैं। बट अगर हम लोग इंटेस्टाइन में देखें, तो ये इंटेस्टाइन में इनके जो अंडे हैं वो ज्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाते। हम लोग फर्टिलाइजेशन वगैरह तो पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं कि जायगोट में किस प्रकार से सेल डिवीजन होता है, मतलब किस प्रकार से विभाजन होता है। जो अंडे हैं वो मल के थ्रू बाहर निकल चुके हैं, तो मल के थ्रू बाहर निकलने के बाद बाहरी वातावरण में ही इनमें सेल डिवीजन होने लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, थोड़ा सा मैं जूम कर करके बताऊंगी ताकि आप लोगों को किसी क्लियर दिखाई देने लगे। तो यहां पे आप देख रहे हो जायगोट, सॉरी गाइस एक मिनट। तो देखिए जो जायगोट है उसमें सेल डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो जायगोट होती है वो 2 टाइप के सेल में डिवाइड हो जाते हैं। पहला जो सेल होता है वो एबी सेल कहलाता है, और दूसरा जो सेल होता है वो P1 सेल कहलाता है। मतलब इसमें जस्ट सेल डिवीजन होना भी स्टार्ट हो चुका है। सेल डिवीजन 2 भागों में हो चुका है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर से इसमें सेल डिवीजन होता है और ये जो 2 सेल है वो अब 4 सेल में डिवाइड हो जाते हैं। तो देखिए कौन कौन सा सेल, जो एबी सेल है वो 2A और B अलग अलग सेल में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको एक को हम लोग कहते हैं पोस्टेरियर सेल और दूसरे को हम लोग कहते हैं एंटेरियर सेल। और यहाँ भी जो आप P1 सेल देख रहे हो वो भी 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन सा, P2 और EMST। समझ में आया आप लोगों को? जो EMST होता है वो अपर सेल कहलाता है और जो P2 होता है वो लोअर सेल कहलाता है। ठीक है गाइस, तो क्या क्या देखे हम लोग, पहले जो जायगोट था वो 2 भाग में टूट गया, AB, ये पहला AB और दूसरा P1। अब जो AB वाला है वो 2 भाग में फिर से अगेन टूट गया, ए और बी अलग 2 सेल बना लिया, पहला सेल आपका पोस्टीरियर सेल, दूसरा सेल आपका एंटेरियर सेल। और जो ये P1 था ना वो फिर से 2 भाग में टूट गया, अपर और लोअर सेल में। जो अपर सेल है उसको EMST कहा जाता है और जो लोअर सेल है उसको P2 कहा जाता है। आया गई समझ में? मेनली इसमें सेल डिवीजन वो होते जाएगा, है ना। अगेन इसमें क्या होता है, फोर्थ नंबर का डायग्राम देखो, जो P2 होता है, पहले वाले हम लोग देखे कि EMST की जस्ट नीचे होता है, बट इसमें क्या होता है, जो P2 होता है वो EMST के जस्ट बाजू आ जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो आप लोग, देखो पहले EMST के जस्ट नीचे P2 था ना, लेकिन अब इसमें क्या होगा, जब इसका प्रोसेस आगे बढ़ता है तो जो P2 होता है वो EMST के जस्ट बाजू में आ जाता है। यहाँ पे देख सकते हो ये आपका क्या है, EMST है और EMST के जस्ट बाजू ये P2 सेल आ जाता है। ठीक है, अब चलिए और देखते हैं हम लोग, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाता है इनमें सेल डिवीजन होना और कंटिन्यू होता रहता है, सेल डिवीजन होते रहता है। और जो ए और बी आप लोग जो सेल देख रहे हैं उसमें फिर से सेल डिवीजन होना चालू हो जाता है
और जो बी है वो बी वन और बी टू में सेल डिवीजन होता है, जो ए है वो ए वन और ए टू में, ई एम एस टू और पी टू तो होता ही है, मतलब जो ए ए और बी जो हमारी कोशिका थी वो ए वन ए टू और बी वन बी टू में फिर से उनमें सेल डिवीजन होना चालू हो जाता है। इसी प्रकार से गाइस कंटिन्यू इसमें सेल डिवीजन होने लगता है, जो ए वन ए टू था वो फिर से सी और ई ई एम एस टी, इस प्रकार से कई टाइप के यहाँ पर सेल डिवीजन होते जाता है। लास्ट में हम देखते हैं कि इसमें इतना सेल डिवीजन होता है कि यहाँ पे एक्टोडर्म सेल बन जाता है, ब्लास्टोसिल सेल बन जाता है, इंडोडर्म सेल बन जाता है। देखो यहाँ पे पहले चार कोशिका, फिर चार से आठ, फिर आठ से सोलह, तो ऐसे इसमें सेल डिवीजन होते रहता है। और लास्ट वाला जो आप देख रहे हो इसको हम लोग कहते हैं ब्लास्टुला, है ना। ब्लास्टुला इसमें यहां तक आप देख रहे हो जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं आप लोगों को सेल डिवीजन के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें ब्लास्टोसेल भी है और एंडोडर्म भी है। तो इसके बारे में ना मैंने नोट्स में बहुत ही ज्यादा अच्छे से लिखा हुआ है, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो ये डायग्राम तो आपको 100% बनाना ही पड़ेगा। और डायग्राम बनाने के बाद मैंने पॉइंट वाइज जो नोट्स में लिखा हुआ है ना उसको पूरा लिख लेना, है ना गाइस, इसको पूरा लिख लेना। अब जो हमारा स्टेरिस है वो अंडे दे चुके हैं, जो जायगोट है वो जायगोट है, बहुत सारा सेल डिवीजन होने के बाद ये ब्लास्टुला फेज में आ जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, इनका जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू होते रहता है गंदे पानी गंदे मल के संपर्क में। जब कोई इंसान फिर से आता है तो खाने के माध्यम से, पानी के माध्यम से ये जो होते हैं वो पुनः हमारे शरीर में क्या कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। तो हम लोगों ने इनके लाइफ साइकिल में ये जाना कि जो एस्केरिस होते हैं उनका जो लाइफ साइकिल होता है वो मोनोजेनेटिक होता है, मतलब वो एक पोषणीय होता है। हम इंसानों के शरीर में ही इनका पूरा डेवलपमेंट वगैरह होता है, और जो अंडे होते हैं सेल डिवीजन बस थोड़े से बाहर में होते हैं। तो इस प्रकार से चलता है इनका लाइफ साइकिल। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए सब चीज तो हम लोग देख लिए, मॉर्फोलॉजी देख लिए, डिफरेंस बिटवीन देख लिए, लाइफ साइकिल देख लिए। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो एस्केरिस होते हैं वो हमारे शरीर में इतनी अच्छी तरीके से रह कैसे लेते हैं, आखिर इसमें ऐसा क्या पाया जाता है जो कि अन्य जीवों से इसको डिफरेंस बनाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं परजीवी अनुकूलता, जिसको हम लोग कहते हैं पैरासाइटिक एडेप्टेशन। इसका मतलब क्या है कि जो परजीवी मतलब क्या होता है, पैरासाइट मतलब ऐसे जीव जो कि किसी दूसरे के शरीर में रह करके अपना लाइफ साइकिल पूरा करते हैं, ये आपको क्या कहलाता है, पैरासाइट कहलाता है। जो कि जो हमारा एस्केरिस है वो एक प्रकार का पैरासाइट ही है। तो पैरासाइट है मतलब ये हमारे इंटेस्टाइन में आसानी से रह लेते हैं, और जब इनका इन्फेक्शन होता है तो काफी ज्यादा पेट दर्द होता है ना। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये हमारे शरीर में इतने अच्छे से रह कैसे लेते हैं, आखिर इसमें ऐसा कौन कौन सा अनुकूलता पाया जाता है, तो वही हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला अनुकूलता ये है, इनका शरीर देखिए, इनका अगर हम लोग बॉडी शेप की बात करें तो बिल्कुल ये लंबा सा पतला सा होता है, जो कि हमारे इंटेस्टाइन में इजिली रह लेता है, है ना। नुकीला होता है और लंबा होता है, पतला होता है, हमारे इंटेस्टाइन में बहुत छोटा मतलब जगह बहुत कम होता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग ये इनका शरीर परफेक्ट होता है कि हमारे इंटेस्टाइन में आसानी से रह लेते हैं। तो सबसे बड़ी अनुकूलता तो यही है इनकी शरीर की बनावट। सेकेंड नंबर की अनुकूलता इसमें हम लोग देखते हैं कि इनके शरीर में क्यूटिकल का एक मोटा रक्षात्मक आवरण पाया जाता है। जी हाँ, इनका जो शरीर होता है उनका जो लेयर होता है, क्यूटिकल का जो लेयर बना रहता है वो काफी मोटा बना रहता है। अब आप बोलोगे हमारे शरीर में तो कई प्रकार के पाचक रसें हैं, जो पाचक रस होता है वो किसी भी चीज को डाइजेस्ट कर देता है, लेकिन ये जो एस्केरिस उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि इनका जो रक्षात्मक आवरण होता है क्यूटिकल वो काफी ज्यादा मोटा होता है, जो कि इनको हमारे जो भी जूस वगैरह है, जो भी हमारे शरीर में जो भी पाचक रस वगैरह है उससे ये उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है गाइस, अगला ये देखो कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो काफी ज्यादा सीधा होता है, क्योंकि एस्केरिस की हम बात करते हैं सीधा होता है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी काफी सरल होता है। जो हम खाना खाते हैं उसको ये डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तो इनको उतना ज्यादा वहां पर भी किसी भी प्रकार का जो भी चीजें हैं वो यहाँ पर करने की जरूरत नहीं होती, आसानी से किसी भी खाने को क्या कर लेते हैं, पचा लेते हैं। तो ये सब चीजें हैं गाइस जो कि एस्केरिस में पाया जाता है और काफी ज्यादा अनुकूल होता है हमारे शरीर में, हमारे इंटेस्टाइन में रहने के लिए। क्लियर हो गई सबको? तो ये तो था परजीवी अनुकूलता। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि जब पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है तो कौन कौन सी गंभीर बीमारियां हमारे शरीर में हो जाती है। तो इस पैथोजेनेसिस की बात करें तो देखिए एस्केरिस का जब इन्फेक्शन होता है ना तो इसको हम कौन से टर्म यूज करते हैं, इसके लिए हम एक विशेष टाइप का टर्म यूज करते हैं जिसका नाम है एस्केरिएसिस,
है ना, जो एस्केरिस का इन्फेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, एस्केरियसिस। तो एस्केरियसिस में क्या होता है, जो एस्केरिस होते हैं उनकी संख्या हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे शरीर में उनकी संख्या बढ़ जाती है। और जब हमारे शरीर में एस्केरिस की संख्या बढ़ती है तो स्वाभाविक सी बात है वो इंटेस्टाइन को, जो हमारी आंत है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, उनको नुकसान पहुंचाना का, उनको नुकसान पहुंचाने का काम ये स्टार्ट कर देते हैं। काफी ज्यादा हमारे इंटेस्टाइन में वो इंफेक्शन पैदा करते हैं, या फिर इंटेस्टाइन में सूजन आ जाता है, पेट में काफी ज्यादा दर्द होता है, बुखार आने लगता है, पूरे शरीर में अकड़न चालू हो जाता है, पेशेंट का बहुत ज्यादा हेडेक होने लगता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी लक्षण है जो अगर किसी के शरीर में एस्केरिस का इन्फेक्शन हुआ है तो वो देखने को मिलता है। ठीक है गाइस, सेकेंड नंबर क्या है, पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन इन पेरिटोनियम। व्हाट इज पेरिटोनियम, पेरिटोनियम इज द मतलब जो पेरिटोनियम होता है वो हमारे जो एब्डोमेन होता है ना, जो हमारा पेट होता है उसका अपर लेयर होता है। तो अगर इस प्रकार का इन्फेक्शन, एस्केरिस इन्फेक्शन होता है जो, तो हमारे एब्डोमेन का जो लेयर होता है, पेट का जो लेयर होता है, तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। इंटेस्टाइन में तो इन्फेक्शन होता ही होता है, वो हमारा एस्केरिस कहलाता है। लेकिन अगर पेट के जो बाहरी स्तर है, बाहरी लेयर है, अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो वो पेरिटोनाइटिस कहलाता है। पेरिटोनाइटिस भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, इसमें भी इन्फ्लामेशन हो जाता है, कभी कभी तो पेट का साइज ही बड़ा हो जाता है। मतलब पेट में जब इन्फेक्शन होता है पेट में पूरा पानी भर जाता है, गंदा पानी भर जाता है। ठीक, अगला है टॉक्सिन। जो एस्केरिस होते हैं वो जहर भी पैदा करते हैं, एक प्रकार का टॉक्सिन पैदा करते हैं। अगर हमारे शरीर में टॉक्सिन पैदा करते हैं तो वो हमारे शरीर के अन्य हिस्सों को भी वो हानि पहुंचाते हैं, जैसे कि लीवर हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, ये सभी ऑर्गन पे वो हानि पहुंचाते हैं। पेशेंट को बहुत ज्यादा फीवर आने लगते हैं, और कभी कभी क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी बिगड़ जाता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ता है तो पेशेंट को पतला दस्त भी चालू हो जाता है। अगला देखते हैं बच्चों में। अगर ये एस्केरिस का इन्फेक्शन बच्चों में हो जाता है तो फिर बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाती है, और अगर बच्चों में प्रोटीन की कमी हुई तो उनको निमोनिया जैसे गंभीर बीमारियां होना चालू हो जाता है, मतलब उनके लंग्स में भी इन्फेक्शन होना चालू हो जाता है। मान लो एस्केरिस की संख्या हमारे शरीर में बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है तो जो उनके लार्वा होते हैं, जो उनके अंडे होते हैं, वो हमारे शरीर के अन्य हिस्सों में फैलने लगते हैं, जैसे कि हार्ट में, लंग्स में, लीवर में, किडनी में, इधर उधर जाकर के वो पूरा हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन को वो डैमेज कर देते हैं। तो आप समझ सकते हो कि एस्केरिस का इन्फेक्शन कितना ज्यादा खतरनाक होता है। और ये जो इन्फेक्शन होता है वो गंदा पानी पीने से, गंदा खाना खाने से, या फिर मल मूत्र वाले एरिया में अगर ठीक से साफ सफाई नहीं है तो उसके माध्यम से हमारे शरीर में वो फैलते हैं एस्केरिस। क्लियर हो गया इस सबको? तो चलिए अब हम इसको ट्रीटमेंट देख लेते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन एस्केरियसिस या फिर पेरिटोनाइटिस में दिया जाता है। अब चलिए हम लोग इसकी बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहले बता दूं, इसका मेडिकल और सर्जिकल दोनों ट्रीटमेंट होता है। सर्जिकल कैसे होता है, अगर इंटेस्टाइन में एस्केरिस का इन्फेक्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है तो उसको सर्जरी करके, मतलब इंटेस्टाइन को कट करके डायरेक्ट जो एस्केरिस है उसको बाहर निकाला जाता है। लेकिन अगर वो अपने प्राइमरी स्टेज में है तो कुछ कुछ मेडिसिन दे करके इसको खत्म किया जा सकता है। जैसे कि मेडिसिन का नाम आप लोग याद कर लेना, जैसे कि ये आपका मेडिसिन है हेलमेशीट और पिपेरिजिन वगैरह इसको दिया जाता है, और यहाँ पे हेक्साइल रिसोर्सिनॉल जो दवाई होता है इसमें क्या किया जाता है, पेशेंट को खाली पेट रहने के लिए कहा जाता है, कम से कम एक दिन तक खाली पेट वहां पेशेंट को रहने के लिए कहा जाता है, और ये दवाई दिया जाता है। तो दवाई देने के बाद जो जो भी वहां पे हमारे पेट में जो भी एस्केरिस वगैरह है वो क्या करते हैं, 4 घंटे के अंदर मर जाते हैं, और मरने के बाद उसको शरीर से उसको क्लीन कर दिया जाता है, इंटेस्टाइन को बाउल वॉश कर दिया जाता है ना, और जो मृत एस्केरिस है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। अगला एक और मेडिसिन वगैरह एंटीपोल डिक्रीज भी इंसान जो पेशेंट है उनको दिया जाता है। तो ये सारे चीज है गाइस इनके मेडिसिन। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है एस्केरिस। अब आप लोग क्या कर लो, नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। वीडियो की क्वालिटी को अगेन बता रही हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ मैं, वीडियो की क्वालिटी को अच्छी अच्छे से करोगे तो नोट्स क्लियरली आपको शो होंगे। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के बहुत सारे वीडियो चैनल पर अपलोड है गाइस, तो आप लोग चैनल में एक बार चेक जरूर करें, सारे वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट पर ही मिल जाएंगे। इसके अलावा केमिस्ट्री के भी बहुत सारे वीडियो चैनल पर अवेलेबल है जो कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा। तो आई होप यू गाइस आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 था, आई थिंक आप सारे वीडियो लाइन जरूर देख रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस।